देखो कैसी धूल आंधी चल रही है ना तेज भाई, ये तिरपाल तो फटने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि अगली 31 फरवरी की एक, ये विजुअल कितना सुंदर लग रहा है ना, अपने आप में एक तस्वीर लग रही है। हे गाइस, क्या हाल है सभी का। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ नैनीताल से। देखो अगर सब ठीक रहा ना तो बहुत ही जल्द नैनीताल शहर में स्नोफॉल होने वाली है। तो वो कब होने वाली है, किस दिन होने वाली है भाई, पूरी डिटेल वीडियो इसी पर है। चलो इस पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉल रोड की शुरुआत में हूँ और शहर आज फुल है यार, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। वीकेंड का दिन है तो शहर में भीड़ हो ही जाती है। लोअर मॉल रोड में गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है। अगर यहाँ से हम नीचे को चले जाते हैं ना तो भाई गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है। वैसे अपर मॉल रोड में भी गाड़ियां गाड़ियां हैं। मौसम खैर आवाज आज की बात करते हैं तो भाई आज तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, खिली धूप है, दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे हैं। और आप कह रहे होगे कि मैं कह रहा हूँ स्नोफॉल पड़ने वाली है, भाई किस दिन पड़ने वाली है, लेकिन भाई एकदम पुख्ता जानकारी इस बार मेरे पास है। अगर हम मौसम विभाग के हिसाब से बात करते हैं ना तो नेक्स्ट वीक में नैनीताल शहर का मौसम बदलने वाला है। आज ही से तेज हवाएं शहर में चलने लग गई है। चाहे धूप अच्छी है लेकिन आज तेज हवाएं चल रही हैं और आने वाले 2-3 दिन में ही मौसम चेंज होने वाला है। देखो कैसी धूल आंधी चल रही है ना तेज भाई, ये तिरपाल तो फटने को तैयार है। अरे भाई ये तो धकेल दे रही है इतनी तेज हवाएं, मतलब ये है कि बहुत जल्द मौसम खराब होने वाला है। ओ भाई ओ इतनी भाई बहुत ही भयानक धूल सामने से दिख रही है ना, और ये आंखों में चुभ रही है यार। अबे तेरी ये पूरा एरिया देख रहे हो कैसा हो गया है धुंध में। अरे भाई अबे यार ये तो सब आंखों में जा रही है धूल ही धूल। तो ऐसा मौसम चेंज होने को हो गया है शुरू। जो ये देखा जाए तो भाई अच्छी खबर है, हम इसी चीज का वेट कर रहे थे। आज चाहे बढ़िया धूप है लेकिन बहुत तेज हवाएं और धूल भरी आंधी कहा जाएगा वैसा कुछ चल रहा है शहर में। हम लोगों को ऐसी जो आंधी चल रही है ना वो जरूरत है और एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है। अगर डेट की बात करें तो देखो नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में मौसम पूरा ही चेंज हो जाएगा, जो आज ही से पता लगने लग गया है। मौसम विभाग की पुख्ता जानकारी है ये। इसका मतलब ये है कि अगली 31 फरवरी की 1 और 2 तारीख में नैनीताल शहर में स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो बहुत से व्यूअर्स स्नोफॉल का वेट कर रहे थे, तो इस बार होप 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 मौसम विभाग के हिसाब से तो यहाँ पर तगड़ी बारिश पड़ने वाली है ये 31 और 2 तारीख में। तो स्नोफॉल के भी चांसेस उसी बीच हैं, क्योंकि देखो कश्मीर में फाइनली गुलमर्ग में स्नोफॉल देखने को मिल गई, तो वहीं से अब ठंडा मौसम और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। और हल्के हल्के नैनीताल शहर की तरफ भी अब ठंड बढ़ने लग रही है। रात को तो ठंड हो ही रही है, माइनस में भी रेगुलर टेम्परेचर जाने लग गया है। बस अब वेट है स्नोफॉल का, तो 1 हफ्ता वेट करते हैं और 1 हफ्ते बाद होप फिंगर क्रॉस करके ही बोल रहा हूँ खैर भाई स्नोफॉल हो जाए। चाहे आज कितना प्यारा मौसम देखने को मिल रहा है नैनीताल शहर का, बट अगले हफ्ते भाई ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा नैनीताल शहर से। DSA फ्लैट्स मैदान के पास हूँ और ठंडी हवाओं के थपेड़े यहीं से ही पड़ रहे हैं, बाकी धुंध भी उड़ रही है और यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट मैच। सो थोड़ी देर क्रिकेट मैच का आनंद लेते हैं। बाकी धूप है पर धूप में वो ताकत नहीं है जो होने चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा कुछ ज़्यादा चल रही है ना और धुंध बीच बीच में जो आ रही है, धुंध मतलब वो धूल जो पड़ रही है। ये बॉल डाली और ये लगा दिया है शॉट, ओए कैच हो सकता था लेकिन ये चला गया सीधे 4। ये कैच हो सकता था चलो, लेकिन यहाँ से कमेंट्री करना कितना सरल होता ना, अरे यार कैच छोड़ दिया, लेकिन आप फील्ड में तब हो ना तब पता लगता है असलियत। तो बाकी देखो मौसम सामने चाइना पिक, एकदम ब्लू ब्लू स्काई, एक भी बादल नहीं है। लेकिन भाई ये बीच बीच में जो धूल उड़ रही है ना, देखो उस तरफ को उड़ने, अभी हवा चल रही है हवा रुक रही है हवा चल रही है हवा रुक रही है, और धूल इतनी तेज़ कभी कभी आंधी जैसी आ जा रही है, लेकिन अभी ना उड़े क्योंकि भाई अगर यहाँ पर से दोबारा धूल उड़ती है तो सीधे हमारे मुंह पर आएगी। तो नैना देवी मंदिर आ गए हैं, आप सभी दर्शन कर लीजिए साथ में, इधर काफ़ी श्रद्धालु दिख रहे हैं। ये राम मुख्य कक्ष माँ नैना देवी मंदिर का, बाकी नैनीताल तो वैसे आज फुल है, तो मैं आ गया एकांत में ठंडी सड़क वाले इलाके की तरफ को। बाकी यहाँ से थोड़ा सा आगे को चलते हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सही लगता है। देखो यार ठंडी सड़क एक ऐसा इलाका ना एकदम शांत, आज जैसे नैनीताल शहर में भीड़ हो जाती है तो ठंडी सड़क आ जाता हूँ मैं, तो हर बार यही करता हूँ, मुझे एकांत ज़्यादा पसंद आता है। बट नैनीताल शहर पूरा टूरिज्म बेस्ड शहर है, अगर यहाँ पर भीड़ नहीं होगी तो शहर चलेगा नहीं।
यहाँ का इकोनॉमी फ्लो नहीं हो पाएगी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। बट हम हैं नेचर प्रेमी तो हमें शांति ज़्यादा पसंद आती है, तो जैसे ही शहर में भीड़ होती है मैं आ जाता हूँ ठंडी सड़क वाले इलाके की तरफ को, एकांत और ठंडी सड़क, नेचर, जंगल, ट्रीज़ और थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा। सो ठंडी सड़क कुछ ऐसी है। बाकी यहाँ से झील का भी बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है, क्योंकि इस तरफ तो क्या धूप रहती नहीं है और सामने धूप रहती है, तो भाई मस्त लगता है मुझे तो इस एरिया में आना यार। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है, देखो अगर इन तारीख में अभी अगर स्नोफॉल नहीं होती है, खाली बारिश हुई, फिर आने वाले आगे जो दिन है ना वो यार फिर तो मौसम साफ दिखा रहा है। यही जो आने वाला हफ्ता है तो वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक भी अगर हम चले जाते हैं तो इस ये तीन चार दिन मौसम या चार दिन मौसम ख़राब दिखा रखा है और स्नोफॉल के चांसेस दिखा रखे हैं। वैसे हैवी रेन बता रखी है और होगी भी, मौसम विभाग भाई अब तो अप टू डेट पूरा रहता है और जो चीज़ बता रखी है एग्जैक्ट होनी भी चाहिए यार। तरस गए हैं हम स्नोफॉल के लिए। ये विजुअल कितना सुंदर लग रहा है ना, अपने आप में एक तस्वीर लग रही है। और चिड़िया एकदम टिप पर बैठी हुई थी, अभी उड़ के चले गई। तो ये खूबसूरती है नैनीताल शहर की और इस शहर की ये सादगी है, तो तभी तो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं ऐसी शांति देखने, इस टाइप के विजुअल देखने, कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं यार। पहाड़ पर आकर इस तरीके की झील और ऐसा मौसम मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होती है। ठंडी सड़क में एक चीज़ सही लगी भाई यहाँ पर है, आग का प्रबंध कर रखा है, ठंड काफ़ी हो रही है तो आग सेक लेते हैं थोड़ा, हाथ को गर्म कर ले, बढ़िया हो गया, चलो गुड। वाह, हवाएं चली जा रही हैं शहर में पूरे और धूल भी उड़ रही है क्योंकि सूखा मौसम हो रखा है ना, कितने दिनों से मतलब बहुत महीने हो गए हैं नैनीताल शहर में बारिश ना मात्र पड़ी है, पड़ी ही नहीं है वैसे तो, इस वजह से पूरा सूखा पड़ा हुआ है पूरा नैनीताल शहर। और तभी जब तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं तो धूल भी उठ रही है और हम ठंडी सड़क वाले इलाके में हैं तो यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी पीछे आग जला रखी थी, थोड़ा राहत मिल गई है, अच्छा हुआ। काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं घूमते घूमते यार, आप धूप की तरफ को ही चलते हैं क्योंकि यहाँ ठंडा लगने लग गया है और एकदम जुखाम लग जाएगा यार, तो इससे अच्छा है ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। बैक टू द भीड़, मतलब बैक टू द सन। बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया यार, थोड़ी देर पहले सामने एरिया में थे। ये झूला अपने आप क्यों चल रहा है भाई, कोई बच्चा था क्या? अभी मुझे यहाँ दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई ना कोई तो होगा, अपने आप तो ऐसे चल नहीं सकता। बट हम इतना ही विजुअल काट देंगे, अपने आप चलता हुआ झूला कितना गजब लगेगा ना, खैर कोई बच्चा झूल रहा होगा क्या? बहुत जल्द इसका भी रेनोवेशन हो गया है शायद, यार हो तो गया है इसका भी मेरे ख्याल से, और कुछ चीज़ें जो होनी होंगी बहुत जल्दी ये भी सही हो जाएगा और खुल जाएगा सभी के लिए, आम जनता के लिए। अभी तो अंदर हमें कूद फाद के जाना पड़ेगा। भाई ठंडा लग गया यार, वो आप थोड़ी देर धूप तापेंगे, हम पहाड़ी बोलते हैं ना, घाम तापते हैं थोड़ी देर। तो DSA फ्लैट्स ग्राउंड की इधर सीढ़ियाँ हैं ना, तो यहाँ से क्रिकेट मैच भी बहुत सही दिखता है, तो थोड़ी देर क्रिकेट मैच ही देखते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। बाकी अगले हफ्ते मौसम चेंज होता है, जल्दी से हो जाए और बादल आ जाएँ, स्नोफॉल हो जाए जल्दी जल्दी, तो लेट्स सी क्या रहता है, क्योंकि यार भविष्य के गर्द में क्या रखा है उसका कुछ नहीं पता। दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तरह।